हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी बाइक्स में। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो को लेकर के, जो कि बेस्ड होने वाला है पल्सर AS150 के ऊपर। इस वीडियो में आप लोग को पल्सर AS150 के पूरे डिस्क ब्रेक के सर्विसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कौन से पार्ट्स इसमें चेंज हो रहे हैं ये भी मैं दिखाऊँगा, और कौन से प्रॉब्लम होते हैं डिस्क ब्रेक ख़राब होने पे, डिस्क ब्रेक का लीवर जो काम नहीं करता है ठीक से, जो फ्री प्ले नहीं होता है, वो दिक्कत होने पे आप कौन सा पार्ट्स को बदली करें, साथ ही साथ जो कैलिपर्स हैं उसको भी ग्रीसिंग करवाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं वापस उसी दुकान में, यानी कि सेठ ऑटो पार्ट्स में, जहां हमारे मैकेनिक जी, जिनका नाम है मिक्कू भैया, काम पर लगते हुए मास्टर सिलेंडर को खोल रहे हैं। इसे खोलना उतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था जितना मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं अपनी अपाची की हैंडल किट चेंज करवाने गया था। काफ़ी मुश्किल हुई थी इसे खोलने में, उसके जो कटोरियां थी हैंडल्स में उसे खोलना बड़ा मुश्किल था, कई बार तो भैया को हथौड़े भी पड़ गए हाथ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं भैया सिलेंडर को खोल दिए हैं, जहाँ पर ऑयल्स को आप चेक कीजिए, काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है ऑयल, बिल्कुल पानी की तरह। इसके नीचे ये ऑयल, जो मेन ऑयल था, वो कीचड़ की तरह जम गया था नीचे, और ऊपर में सिर्फ पानी की तरह बैठा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुझे जो मास्टर सिलेंडर किट है ये मुझे 140 रुपये का पड़ा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, बजाज कंपनी का। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भैया ऑयल को बाहर निकाल रहे हैं, इसके लिए जो मेन पाइप है उसे खोल रहे हैं केबल को, और फिर पुराने वाले ऑयल को बाहर निकालें। यहाँ पर देखिए भैया ने नीचे प्लास्टिक लगा दिया है ताकि ऑयल जो है वो बाइक पे ना गिरे और बाइक गंदी ना हो। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से यहाँ पे काम होता है दोस्तों। मैं तो यहाँ पे हमेशा अपनी बाइक को बनवाने आता हूँ, जब भी मेरे बाइक में कोई ख़राबी होती है मैं इसी शॉप पे आता हूँ, क्योंकि मुझे और किसी मैकेनिक पे भरोसा नहीं होता, या यहाँ तक कि मुझे सर्विस सेंटर वालों पर भी भरोसा नहीं होता कि वो आपको कितनी अच्छी तरीके से काम करके देंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोडरमा ज़िले के रहने वाले हैं झारखंड में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप यहीं पर आकर के काम करवाएं, क्योंकि यहाँ पे काम बिल्कुल 100% जेन्युइन तरीके से होता है और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने डिस्क ब्रेक की पूरी सर्विसिंग करवाने वाला हूँ, और मास्टर किट जो आपने देखा उसे मैं चेंज करवाऊँगा, क्योंकि मेरा जो ब्रेक था वो अच्छे से लग नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा जैम हो गया था ये, और ब्रेक मारने पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को फोर्स लगाना पड़ता था आगे बढ़ने के लिए, और ब्रेक उतना स्मूथली दब नहीं रहा था, दबने पे वो वापस अपने जगह पे जा नहीं रहा था, बिल्कुल फ्री प्ले नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आ गया अपनी मास्टर सिलेंडर किट को चेंज करवाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर तेल बुरी तरीके से बाहर निकल गया है, और आपको हल्का हल्का कीचड़ जैसा भी अंदर में दिख रहा होगा। यहाँ पे भैया आउटलेट जो है उसको साफ़ कर रहे हैं ताकि वो कीचड़ पाइप के अंदर ना जाए, जिससे ऑयल पास होता है कैलिपर्स तक। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया कैलिपर्स को खोल रहे हैं, जिसे ग्रीसिंग करवाना है मुझे। काफ़ी दिनों से ये साफ़ नहीं हुआ था, बंद ही था एक्चुअली, जब से मैं नया लिया था तब से सिर्फ ब्रेक पैड ही मैंने चेंज करवाया था, अभी तक एक बार भी इसे ग्रीसिंग नहीं करवाया था। तो भैया इसे खोल रहे हैं, इसे खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, बहुत जाम हो गया था ये, बहुत दिनों से खुला नहीं था, तो दो चार हथौड़े इसे भी मारने पड़े थे तब जा कर के ये बाहर निकला। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है ये। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने का मोटिवेशन हम लोग को मिल पाता है आपके एक सपोर्ट से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो से नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए जल्दी से जल्दी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वही ग्रीस है जो मेरे पिछले बाइक में यूज़ हुआ था, ट्रक वाली ग्रीस, भैया की अपनी ट्रक भी है तो ये वही वाला ग्रीस अपने लिए ले आते हैं शॉप में काम करने के लिए। काफ़ी हैवी ड्यूटी है ये, लॉन्ग लास्टिंग है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रक वगैरह में तो हल्की फुल्की ग्रीस से कोई काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीसिंग किया जा रहा है कैलिपर्स को ताकि वो स्मूद हो, स्मूदली वो फ्री प्ले हो सके, आराम से अंदर बाहर जा सके। और ग्रीसिंग करने के बाद फिर इसे भैया वापस फिट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये। अगर आपके बाइक में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, अगर आपके ब्रेक में कोई दिक्कत होता है तो। और अगर आप किसी भी शॉप में जाते हैं बनवाने के लिए तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई लूट नहीं पाएगा आपको। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आप अपनी बाइक को छोड़ करके भी अगर चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पुराना पार्ट उसमें लगा दिया जाए या फिर आपके नए पार्ट्स को बोल करके पुराना पार्ट लगा करके आपसे नए के दाम वसूल लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आप इत्मीनान से यहाँ पर अपने बाइक को छोड़ करके जा सकते हैं कहीं पर भी, अगर आपके पास समय नहीं है वहाँ बैठ के बनवाने का। हालांकि आपको ये हैंड टू हैंड सर्विस दे देते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा भीड़ भड़का हो गया तो दोस्तों ऐसे में आपको बाइक छोड़ के जाना पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक पैड को वापस लगा दिया गया और इसे वापस फिट करने की तैयारी में है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि टाइम पास है, आप लोग काम के क्वालिटी को भी देख सकते हैं। ये वापस ये जो कैलिपर्स है इसको फिट करते हुए देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है यार ये। हमारे जो मैकेनिक है ना, मतलब मुश्किल से मुश्किल कामों को भी आसान से आसान तरीकों में करना जानते हैं ये। देख सकते हैं आप लोग अभी स्क्रीन पे नई वाली जो मेजर किट है उसे फिट कर रहे हैं और बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा ये, एकदम न्यू की तरह। न्यू में जैसा स्मूथ फील होता था ब्रेक दबा करके, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आने वाला है। यहाँ पे उस मेजर किट को ये सेट कर रहे हैं जो दबता है, जिसको दबाने से ब्रेक लगता है, वो वाला पार्ट यहाँ पे फिट हो रहा है। दोस्तों ब्रेक्स ऐसी चीज़ है ना गाड़ी में जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके जान बचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा अपनी बाइक के ब्रेक्स को ज़रूर सर्विस करवाते रहें, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आपका ज़रूरत के समय पर ब्रेक ना लग पाए और कुछ अनहोनी हो जाए। तो ऐसे में आप लोग को अपने ब्रेक्स का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा टाइम टू टाइम ब्रेक का सर्विसिंग कराते रहिए, कैलिपर्स को चेंज करते रहिए, जो भी ब्रेक पैड्स हैं उसको चेंज करिए टाइम टू टाइम। ऐसा ना हो कि अभी चलने वाला चलेगा चलेगा, बहुत जो मैकेनिक्स होते हैं वो ये भी कहते हैं कि चलेगा अभी चलेगा, हालाँकि वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। हमेशा कस्टमर्स को उनको सही सलाह देना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं भैया जो है वो ऑयल जो एयर बबल्स बन जाते हैं पाइप में, केबल में जो आउटलेट पाइप है ऑयल का, उससे उस एयर बबल्स को निकाल रहे थे, तेल को नीचे तक पहुँचा रहे थे कैलिपर्स तक। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लीवर भी उन्होंने लगा दिया है, ब्रेक लीवर बहुत ज़्यादा। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊँ ना तो मुझे ऐसे मैकेनिक तो सर्विस सेंटर में भी नहीं मिले अभी तक जिन्हें मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूँ। हमेशा एक डाउट सा लगा रहता है सर्विस सेंटर जाने पे कि कितना का बिल बनेगा, क्या होगा। वहाँ के जो मैकेनिक्स होते हैं उनके बहुत भाव बड़े होते हैं तो आसानी से वो आपकी बात को सुनते नहीं हैं, इसीलिए मैं इधर बहुत लोग जान भी रहे हैं कि काफ़ी अभी लॉकडाउन है बहुत काफ़ी समय से, तो सर्विस सेंटर भी सारे बंद हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ढील दी है जिससे कि कुछ शॉप्स खुल रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिक्स के दुकान, मोटर बाइक के
रिपेयरिंग के दुकान खुल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया चेंज करवाने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी दिनों से फील हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा था इस बाइक को चलाने में, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फिटिंग है वो कंप्लीट होने वाला है, भैया इस सिलेंडर को बंद करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि इतना मुश्किल काम कितना आसानी से हो गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा मुझे। एक्चुअल में लगता है कि 45 से 50 मिनट लगे होंगे इस काम को कंप्लीट करने में, बहुत ही ज़्यादा आसानी से दोस्तों। तो अगर आप लोग कोडरमा के रहने वाले हैं तो एक बार आकर के आप यहाँ पे अपना काम ज़रूर करवाइए, और अगर आप मेरे चैनल का नाम लेकर के वहाँ पे जाएंगे, मेरे थ्रू जाएंगे, तो हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको ज़्यादा बेहतर सर्विस मिले। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, ये मैकेनिक्स लोग पे उतना ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है आजकल के टाइम पे, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ही कम हो गई है लोगों के बीच। लोग किसी ना किसी तरीके से सिर्फ अपना ही फ़ायदा खोजते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये फाइनल फिटिंग्स हो रहा है, काम ख़त्म होने ही वाला है, काफ़ी आसानी से ख़त्म हो गया। मात्र मुझे जो ख़र्चा पड़ा वो ₹140 मुझे मेजर किट का पड़ा, ₹40 .3 ऑयल का पड़ा, और दोस्तों मैंने लेबर चार्ज ₹80 दिए हैं, तो कुल मिलाकर के 140 और 40 ₹180 और 80 ₹260 के आसपास। तो ये थी पल्सर की फुल डिस्क ब्रेक सर्विसिंग की वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए नई से नई वीडियो लाता रहूं, जो कि इन्फॉर्मेशन से भरी होने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं कि अगर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अगर कार चलाते हैं तो सीट पर जरूर लगाइएगा, और अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।